वाह, इतना हेल्दी यहाँ पर डिनर हो गया, बहुत ही टेस्टी था। सच में सभी का मन किया और भी खाने को, इतना टेस्टी बना था ये। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इवनिंग का समय है और मैं बना रही थी डिनर। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ ना, जैसे कि मैंने दोपहर में दाल बनाई थी और वो भी लंच के लिए। तो यहाँ पर ये मूंग और मसूर की दाल है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये काफ़ी दाल बच गई थी मेरी। जैसे कि बच्चों की तबीयत ख़राब है और इसलिए बच्चों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, तो दाल यहाँ पर मेरी बच गई है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं कैसे यूज करूँगी जो कि ये बच्चे अच्छी तरह से खा पाए, क्योंकि दाल तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई होती है। दाल तो बहुत ही फायदेमंद होती है, तो हम इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इस दाल के बनाने जा रही हूँ पराठे। तो उसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें और इसमें डालूंगी, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची को कट कर लिया है और यहाँ पर हरा धनिया भी कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आटे में मैं डाल दूंगी मसाले, जैसे कि यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर भी डाला है, रेड मिर्ची भी डाली है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने डाला है 1 चम्मच भर के चाट मसाला। और डाल दूंगी नमक, क्योंकि पराठे बन रहे हैं तो थोड़ा सा स्पाइस हो, यानी कि थोड़ा सा मसाले इसमें तेज़ रहेंगे तो टेस्टी रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है हल्दी और अजवाइन डाल दी है जो कि इसको क्रश कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डाल दी है हरी मिर्ची और धनिया पत्ती, क्योंकि ये पराठे दाल के बनने वाले हैं। तो तड़का तो दाल में भी है, लहसुन वगैरह सब चीज़ उसके अंदर है, लेकिन आटे में तो कुछ नहीं है। तो आटे के लिए यह चीज़ें मैंने डाली हैं ताकि मेरे जो पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी बने। तो साथ में डाल दिए मैंने हींग और नमक, इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पहले इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी, फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी दाल। तो आप देख सकते हैं दाल मेरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब है, उसी उसी तरह से मैंने ये दाल बनाई थी ताकि बच्चे खा पाएँ और ठीक भी रहें और कोई प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि थोड़ा सा हल्का खाना जैसा लगता है दाल का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दाल डाल के आटे को गूंथ लूँगी अच्छी तरह से। तो इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, जितनी भी यहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर ये कम अभी गूंथ नहीं रही, तो उतनी ही मैं यहाँ पर दाल डाल दूँगी और आटे की मात्रा मैंने कम ही रखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आटे को अच्छी तरह से गूंथ लूँगी और मैं आटे को हमेशा ऐसे ही दोनों हाथों से दबाते हुए गूंथती हूँ ताकि मेरा आटा अच्छे से गूंथ जाए और रोटियाँ एकदम सॉफ्ट बने, रोटी पराठा पूरी जो भी होता है। तो मेरा ये होता है कि मैं हमेशा आटे को अच्छी तरह से ही गूंथती हूँ, थोड़ा सा टाइम देती हूँ उसमें, फिर मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटे को लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा मेरा लग चुका है, एकदम से सॉफ्ट आटा लग गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आटे को लगा के रख दिया है। और फ्रेंड्स, क्या है ना, जैसे कि बच्चे की तबीयत ख़राब है तो मेरे घर में कभी रोटियाँ इस तरह से बची नहीं रहती हैं, क्योंकि जितने खाते हैं उतनी ही मैं बनाती हूँ। तो जैसे कि दोपहर में लंच में हर पर ये रोटियाँ खाते बच्चे, तो बच्चों ने आज रोटियाँ नहीं खाई हैं क्योंकि दो बच्चों की तबीयत ख़राब ही है मेरी, मेरे बच्चों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा मैं दाल के पराठे बना देती हूँ और बच्चों की फरमाइश पर ही बना रही हूँ, मेरे बच्चों को पसंद है ये। तो सारे मसाले जैसे डाल दिए हैं और पहले से दाल में थे, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे और काफ़ी मुलायम भी रहते हैं, और इनको मेरे घर में सब खा लेते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, और मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो ये काफ़ी हेल्थी होते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन इस तरह से बनाते हैं बची हुई दाल के पराठे, तो प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि ऐसा जो जो करते हैं तो मुझे भी पता चलेगा। वैसे ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं अपने जो अच्छे से घर चलाती हैं वो इस तरह से करती हैं, और जिनको लगता है कि रखी हुई चीज़ को नहीं खाना वो नहीं करती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसी तरह से ये पराठे सेक ले रही हूँ और बीच बीच में मैं बच्चों को दे भी रही हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है काम करने में, ना ही कुछ वीडियो शूट करने में। जैसे तैसे करके मैं वीडियो बना पा रही हूँ, हकीकत तो यही है, और बहुत लेट सेट में वीडियो बना पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पराठे सेक ले रही हूँ, उधर मेरे पराठे बने भी रखे हैं और इधर तवे पर भी है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसी तरह से ये सारे पराठे बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये पराठे ताज़ा ताज़ा एकदम से गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, तो आप इनको किसी भी के भी साथ खा सकते हैं, या तो इनको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं, या फिर दही के साथ भी खा सकते हैं, तो या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मेरे काफ़ी जो पराठे हैं बन चुके हैं, बच्चे अंदर खा रहे हैं, इधर मेरी चाय भी बन रही है जो कि हस्बैंड जी के लिए यहाँ पर चाय बन रही है।
और मेरा भी मन था, क्योंकि पूरे दिन मैंने भी चाय नहीं पिया क्योंकि गणेश की तबीयत ख़राब थी, तो बिल्कुल भी मन नहीं हुआ किसी भी चीज़ का पूरे दिन, ना मैंने चाय पी है और खाना भी मैंने शाम को खाया था थोड़ा सा। तो इसी तरह से यहाँ पर मेरे पराठे बन गए हैं और अब निकाल लेती हूँ थाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों बच्चों ने खा लिया है, हस्बैंड जी के लिए निकाली थाली। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं दही, जो कि मैंने घर पर ही जमा के रखी हुई थी, तो यहाँ पर दही ले लूँगी और साथ में है पराठे। तो यहाँ पर बस यही है आज डिनर, यही बच्चों ने खाया है, तो यही सबके लिए है। आई होप आपको ये पसंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पराठे बने थे, सच में बहुत मुलायम थे, दही के साथ तो एकदम लाजवाब लग रहे थे। तो डिनर हमारा अच्छे से हो गया था, तो बच्चे तो चीनी डाल करके दही में जब खाते हैं, और हमने और मेरे हस्बैंड जी ने तो वैसे ही खाया था सादा दही से। तो पराठे बन गए हैं और दही के साथ में है चीनी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की है, आई होप आपको पसंद आएगी, मैं मिलूंगी नेक्स्ट।